हबक्कूक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। हबक्कूक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि देखो कि मुझसे वह क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिखते वरन पटियाओं पर साफ साफ लिखते, ताकि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है और इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर न होगी। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। फिर दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक किसी पूरी नहीं होती, और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता, अर्थात वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। क्या वे लोग अचानक न उठेंगे जो तुझसे ब्याज लेंगे, और क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? और क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने जो बहुत सी जातियों को लूट लिया है, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव भी, जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय से लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों के घर को काटकर अपने लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या यह सेनाओं के यहोवा की ओर से नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वह आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि वह उसको नंगा देखे। तू महिमा की संति अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दहिने हाथ में रहता है, सो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा विभव तेरी छाट से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिससे वे भयभीत हो गए थे, तुझ पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और उसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है? फिर तू झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए? हाय उस पर जो काठ से कहता है कि जाग, वह अबोल पत्थर से कि उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ तो है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी
उसके सामने शांत रहे।